नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर राज्य की सुर्खियों पर। राज्यपाल ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को पद से हटाया। प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी को दिया गया अंतरिम चार्ज। कांवड़ियों के वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। पिता और एक साल की बेटी समेत तीन की हुई दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया शुरू। रुड़की में बाढ़, गंगा में मचाई तबाही। खानपुर में आई बाढ़, नदी में तब्दील हुए खेत। पानी में फंसी महिला को बचाया गया। उत्तराखंड में मॉनसून आते ही थम गई रफ्तार। अब तक 1500 से अधिक सड़कें हुई बंद, 7 पुल क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में कोठी के बाद अब अतीक अहमद की गाड़ी भी हुई जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। ऋषिकेश में चेतावनी रेखा के करीब पहुंचे गंगा, अलर्ट पर प्रशासन। हल्द्वानी में बारिश से हाहाकार। शमशान, कब्रिस्तान और गौशाला बही, नदी में समाये मकान। पाताल गंगा और छिनका में हुआ भारी भूस्खलन। हाईवे बंद होने से जगह जगह फंसे 7000 तीर्थयात्री। भारी बारिश के चलते मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई स्थगित। नरेंद्र नगर में 15 जुलाई को होना था आयोजन। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह आया मलबा। दून से चलने वाली वंदे भारत समेत 11 ट्रेनें हुई रद्द। कुछ का बदला रूट। मांग श्रृंगार गौरी मामले में अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति के लिए मांगा समय। चारागाह भूमि से कब्जा मुक्ति के लिए चलेगा 45 दिन का अभियान। 25 अगस्त को होगा समापन। मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की संकल्पता को कर रहे साकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला किया सुरक्षित। गैंगस्टर से जुड़ा है मामला। वाराणसी में बनेगा 197 हेक्टेयर का वर्ल्ड सिटी एक्सपो। अयोध्या को मिली कुछ नई सौगातें। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर दरबार में मची भगदड़। कई लोग बेहोश होकर गिरे। बुजुर्ग और बच्चों को आई गंभीर चोटें। उफान के बाद दिल्ली की सड़कों पर पहुंचा यमुना का पानी। सीएम केजरीवाल ने एनडीआरएफ से मांगी मदद। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में अब 25 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। और जौनपुर रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। गोली मारकर हत्या का आरोप, मचा कोहराम। सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।